तो ये इनका घर हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं। हीरा बाई जी का घर है और आठ परिवार जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ रहते हैं। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है इनका घर और पूरा लकड़ी का बैरिकेड लगा हुआ है। ये एक आवास यहाँ पास दिया हुआ है सरकार की ओर से, आप लोग देख सकते हो। हालत वैसे उसकी उतनी अच्छी नहीं है और चारों तरफ से इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो मूल ग्रामीण जीवन। और अभी दोपहर का ही समय हुआ है, दोपहर भी नहीं हुई है। इधर से और आगे जा सकते हैं और छोटा सा उधर घर वर बना हुआ है और बिजली की सुविधा आई थिंक है। बिजली गांव तक आती है लेकिन बिजली सिर्फ आती है दोस्तों, बिजली है नहीं। बिजली की तारे खंभा सब है, बिजली नहीं है लेकिन इनके घरों में, और बिना बिजली के ही ये रह रहे हैं। पानी सुविधा भी रहती है लेकिन बरसात के समय में पानी भी नहीं रहता है। और इसमें आप लोग देख सकते हो इसी तरह जीवन यापन लोग करते हैं यहाँ पास। चलिए थोड़ा इधर की ओर चलते हैं। ये जो है ये बकरी रखने का, मुर्गी रखने का, ये सब बनाया हुआ है यहाँ पास आगे में, गाय वगैरह रखने का। और यहाँ पास आप लोग देखिए, ये है एक गांव का छोटा सा प्यारा सा घर। आठ परिवार एक चिकट ही घर में, तो आवास एक ही मिले के। तो एकर अलावा का काम करता तुम्हें ये तुम्हारे घर वाला में? कुछ मजदूरी कुछ कहीं होती नहीं रहे अजगर बाहर की। वैसे तो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे छोटे छोटे से गांव हैं जहां काफ़ी सारी अनोखी विशेष जनजातियां जो है छोटे समूहों में रहती हैं। दोस्तों गांव का जीवन काफ़ी सुकून भरा होता है और हम लोग यही कल्पना करते हैं कि हम वापस उस गांव के जीवन को जिए जहां सब सुकून से होता है, शांति से होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसे ही आपको एक छोटे से गाँव छाता सरेमर लेकर जाने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय जोहार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में दोस्तों फिर से हम लोग आ गए हैं कोरबा के जंगलों में और जो जनजातीय जीवन हम लोग सीरीज ला रहे हैं आप लोग के लिए वीडियो बनाते हुए, तो उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हम लोग आ गए हैं सतरेंगा के पहाड़ों की तरफ। आप लोग देख सकते हो छोटा सा गाँव यहाँ पास, हम लोग अभी अजगर बहार के पास है। आज हम लोग जाने वाले हैं छाता सरई जहाँ पहाड़ी कोरबा जनजाति रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जनजातियाँ आज जाने वाले हैं तो उनके वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेंगे। अभी जो है शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है और तेंदू पत्ता तोड़ने का जो है अभी काम चल रहा है, तो वो सारे जो एक्टिविटी है वो सब आज के इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। साथ ही पहाड़ी कोरवाओं का जो जीवन है इस छाता सरई गाँव में, इधर कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे उन लोग जीवन यापन करते हैं, वो सब आज के इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी रोचक होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि मैं मैसेज आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। चलिए वीडियो की स्टार्ट कर। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ कोरबा के अजगर बहार क्षेत्र में जंगलों के बीच स्थित छाता सरई गाँव। दोस्तों वैसे यह गाँव आपको मैप्स पर नहीं दिखेगा, जंगल से घिरा हुआ यह गांव कुछ 10-12 घरों का ही हिस्सा है और यहां मुख्य रूप से जो है पहाड़ी कोरवा जो है जनजाति रहती है। दोस्तों वैसे तो यह गांव बहुत ही खूबसूरत है और यहां पहाड़ी कोरवा इन जंगलों के बीच में सुकून भरा जीवन जीते हैं। ये यहां का आंगनबाड़ी है और ये स्कूल है, तो देख सकते हो यहाँ संकुल केंद्र सतरेंगा लिखा हुआ है। बड़ा वही गांव है पास में और वैसे यहां जाने के बाद आपको अजगर बहार मिलेगा से, लेकिन अभी जो है छुट्टियां चल रही हैं तो स्कूल बंद है, वरना हम लोग आपको स्कूल का भी दिखाते कैसे कैसे वहां पढ़ाई होती है। किनारे में आपको आंगनवाड़ी केंद्र भी देखने को मिलेगा छाता सरई का। ऐसे कहाँ ला था पानी का, तालाब वाला है आसपास? अरे नाला लग जाते हैं बहुत दूरिया। अच्छा जीना रह जाते हैं हाँ। बहुत दूरिया पैदल जाता हाँ। और बिजली ही नहीं रहता? बिजली नहीं है, नहीं है बस यही चार्जर से हाँ। ठीक ठीक
गर्मियों के मौसम में दोस्तों जब स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तब आप सभी लोग अपने अपने पुराने घर या फिर अपने दादा दादी के यहाँ ज़रूर जाते होंगे। उनका घर ज़रूर गांव में होगा। गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग किया करते होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही गांव घूमते घूमते आपको ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो यहाँ इस छोटे से गांव में हैं। वैसे दोस्तों यह एक बहुत खूबसूरत सा गांव है जो शहर की भाग दौड़ से दूर इस जंगल के बीच में स्थित है, जहाँ काफ़ी शांति रहती है। हालाँकि यहाँ रहने वाले लोगों की इस सुकून भरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियाँ भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गांव में, हाँ आप लोग देखिए आम के पेड़ काफ़ी सारे और लोग यहाँ जो है बच्चे खेल रहे हैं और जो जितने भी बड़े लोग हैं अभी तेंदू पत्ता तोड़ने का काम चल रहा है तो वहीं जा रहे हैं सब लोग। आठ परिवार एक चिकट ही घर में तो आवास एक ही मिले के। हाँ हीरा भाई जी की आप घर में देखिए, आठ परिवार यहाँ रहते हैं इनको, लेकिन आवास एक ही मिला हुआ है और काफ़ी ग्रामीण सा जीवन यहाँ पास लकड़ी का जो है पूरा बना के रखा हुआ है। अभी मुख्य रूप से तेंदू पत्ता के ही काम चल रहा है यहाँ पास। तो एकर अलावा का काम करता तुम्हें या तुम्हारे घर वाला में कुछ मजदूरी कुछ कहीं होती नहीं रहे अजगर बाहर की जथा नहीं जावा तो यहाँ ना खाना पीना कैसे गुजर बसर कैसे होते। अच्छा बेस्था वाला, ठीक ठीक ठीक। मतलब छोटे छोटे से घर हैं, काफ़ी खूबसूरत सा गांव है दोस्तों पहाड़ी पर बसा हुआ, लेकिन जैसे कि अभी हम लोगों ने हीरा भाई जी से बात किया काफ़ी मुश्किल हालात में इन लोग के यहाँ काम की काफ़ी वैसे तलाश रहती है और बेरोज़गारी तो सभी जगह है, लेकिन ये काफ़ी मुख्य धारा से दूर होने के कारण यहाँ आसपास में काम भी लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये इनका घर हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं, हीरा भाई जी का घर है और आठ परिवार जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ रहते हैं, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है इनका घर और पूरा लकड़ी का बैरिकेड लगा हुआ है। ये एक आवास यहाँ पास दिया हुआ है सरकार की ओर से, आप लोग देख सकते हो हालत वैसे उसकी उतनी अच्छी नहीं है और चारों तरफ से इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो मुर्गी वगैरह गांव में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, बकरी पालन किए रहते हैं, मुर्गी पालन किए रहते हैं, साथ में गाय वाय भी रखे रहते हैं। मुख्य रूप से यहां लोगों के पास कोई काम नहीं है दोस्तों, अगर है भी तो बहुत थोड़ा सा, तो समय समय पर वह चार तेंदू महुआ इन्हीं सब चीज़ों को तोड़कर बेचकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। काफ़ी छोटा मिट्टी से घर बना हुआ घर, खूबसूरत बहुत अच्छा सा घर है, यहाँ पास बकरी वगैरह रखने के लिए बना हुआ है अंदर में, आप लोग देखिए बाहर में हम लोग को काफ़ी सारी बकरियाँ मुर्गियाँ ये सब देखने को मिली। तो यहाँ पास देखिए छोटे छोटे घर बने हुए हैं, कुछ आवास भी इसमें शामिल हैं और चूंकि एक ही साथ में काफ़ी सारे परिवार रहते हैं तो कई लोगों के एक साथ काफ़ी मतलब एक से ज़्यादा आवास भी दिए हैं, कई लोग का बड़ा आवास भी है मतलब साथ में ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं आगे पे शौचालय वगैरह की व्यवस्था है दोस्तों। लेकिन ये काफ़ी पुराना भी लग रहा है मेरे को देख के, क्योंकि यहाँ कोई रहते नहीं है और लगभग मतलब मिट्टी टाइप का ही घर बना के लोग रह रहे हैं दोस्तों। ग्रामीण जीवन, और अभी दोपहर का ही समय हुआ है, दोपहर भी नहीं हुई है, इधर से और आगे जा सकते हैं और छोटा सा उधर घर वर बना हुआ है, इसमें अलग अलग जो जनजाति है पहाड़ी गोरों और बाकी सब वो रहते हैं। यहाँ पास आप लोग देखें यहाँ पास एक छोटा सा घर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक घर में कोई नहीं है, आपको बाहर से दिखा देता हूँ किस प्रकार से यहाँ घर बने होते हैं और बिना बिजली के ही ये रह रहे हैं। पानी सुविधा भी रहती है लेकिन बरसात के समय में पानी भी नहीं रहता है और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसी तरह जीवन यापन लोग करते हैं यहाँ पास। चलिए थोड़ा इधर की ओर चलते हैं। ये जो है ये बकरी रखने का मुर्गी रखने का ये सब बनाया हुआ है यहाँ पास आगे में, गाय वगैरह रखने का। और यहाँ पास आप लोग देखिए ये है एक गांव का छोटा सा प्यारा सा घर। और तो यह था दोस्तों छाता सरई जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अजगर बहार क्षेत्र का एक छोटा सा गांव था। यहाँ मुश्किल से दोस्तों 20 घर होंगे जहाँ लगभग 30 से 40 परिवार रहते होंगे। यहाँ एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल भी है, पानी की सुविधा काफ़ी कम है, बिजली की सुविधा काफ़ी कम है।
इसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ लोग काफ़ी सुकून भरा जीवन जीते हैं। ये सारी परेशानियाँ, बेरोज़गारी से संबंधित परेशानियाँ उनको हमेशा से ही होती है, और आज भी उनका सरकार से यही कहना है कि ये सारी परेशानियाँ उनकी दूर हो जाएं। हालांकि यह सुकून भरा गांव मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।